दर्शकों नमस्कार, मैं फिर से आपका आईबीएम टीवी 9 स्टार महाराष्ट्र और एसआर टीवी जी टाइम्स और एमएच 9 न्यूज चैनल की ओर से विवेक हारकी जी आपका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप दक्षिण पश्चिम के बहुजन समाज पार्टी के एक अधिकृत उम्मीदवार हो, आपका क्या एजेंडा है? जय भीम, नमस्कार। मैं विवेक हाड़के, बहुजन समाज पार्टी दक्षिण पश्चिम इस विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूँ। और बहन कुमारी मायावती जी ने और महाराष्ट्र के पदाधिकारियों ने मुझ पर जो भरोसा जताया और मुझे इस महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव लड़ाने का जो निर्णय लिया, उस निर्णय का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। क्योंकि दक्षिण पश्चिम विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का कौन कार्यकर्ता लड़ेगा, इस बात पर चिंतन मंथन होने के बाद में हमारे हाईकमांड ने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ में अगर कोई लड़ेगा तो बहुजन समाज पार्टी का जुझारू कार्यकर्ता विवेक हाड़के लड़ेगा। इसके लिए मुझे जो आशीर्वाद बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, उन सभी का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। मैं उनके बात का स्वागत करता हूँ, इस काम का स्वागत करता हूँ। और मुख्य बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हमारा एजेंडा ये विकास का एजेंडा है, साथ ही हमारा एजेंडा इस देश के अंदर में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, इस आधार पर बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर में काम कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी ये कोई सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं होके बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर में ये फुले शव अम्बेडकर का और 108 महापुरुषों का ये आंदोलन है। और इस आंदोलन का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। और इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सीधी लड़ाई ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है, उस आधार पर जो एक बड़ी संख्या में जो बुद्धिस्ट वोट बैंक यहाँ पर है, वो बड़ी ताकत के साथ में लगभग बुद्धिस्ट वोट बैंक 98% ये बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़ा रहेगा। और शेड्यूल कास्ट की जो अन्य छोटी जातियाँ हैं, वो भी हाथी के नाम से, फुले शव अम्बेडकर की विचारधारा के नाम से बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़ी रहेंगी। और मेरा व्यक्तिगत काम पिछले 20 साल में ओबीसी समाज के अंदर में, ओबीसी समाज की जितनी भी छोटी बड़ी जातियां हैं उनके अंदर में काफ़ी मैं दिलेरी के साथ में काम करते आ, जुझारू माइंड के साथ में उनके साथ में मैं काम करते आ रहा हूँ। तो वो समाज भी मेरे साथ में बड़ी ताकत के साथ में खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, आप यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव कैसे जीतेंगे या आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कैसा हराएंगे? मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि मुख्यमंत्री भी चुनाव नहीं हर सकते करके। क्योंकि 1995 में माननीय कांशीराम साहब ने और बहन कुमारी मायावती जी ने मध्य प्रदेश के अंदर में सतना नाम का जिला है, वहाँ पर हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता को जिसका नाम है सुखलाल कुशवाहा, उसको बहन कुमारी मायावती जी ने, माननीय कांशीराम साहब ने, एक छोटा सा कार्यकर्ता जो सब्जी भाजी बेच के अपनी जीवन याचिका चलाता था लेकिन बहुत ईमानदार कार्यकर्ता था बीएसपी का, उसको माननीय कांशीराम साहब ने टिकट दिया और सतना के अंदर में वहाँ का तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को उन्होंने हराने का काम किया। जब अर्जुन सिंह वहाँ से चुनाव हार सकते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री को चुनाव हराना ये कोई इम्पॉसिबल काम तो है ही नहीं। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार की जो बात है, वो काटोल का पार्सल है यहाँ पर, वो दक्षिण पश्चिम विधानसभा के अंदर में नहीं चलेगा। यहाँ पर लोकल आदमी होना, यहाँ का कार्यकर्ता होना, समाज के साथ में, भाईचारे के साथ में काम करने होना, विकास के मुद्दे पर काम करने वाला होना, और हमारा एजेंडा इस देश के अंदर में भारतीय संविधान को लागू करना है। हम लोग को इस देश के अंदर में, हर चुनाव के अंदर में कोई स्पेशल एजेंडा हम लोग देश के अंदर में नहीं निकालते हैं। हमारा एजेंडा इस देश के अंदर में भारतीय संविधान को लागू करना, ये हमारा मुख्य एजेंडा है। और बाबा साहब को जिस कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुलाम भारत के अंदर में बाबा साहब सारे चुनाव जीते, लेकिन आज़ाद भारत के अंदर में कांग्रेस के वजह से बाबा साहब अम्बेडकर एक भी चुनाव इस देश के अंदर में नहीं जीत पाए। कांग्रेस के वजह से बाबा साहब भंडारा में चुनाव हारे, कांग्रेस ने बाबा साहब को बम्बई में चुनाव हराया। तो ये लोग समझते हैं, बहुजन समाज के लोग समझते हैं कि इस बड़े विद्वान आदमी को, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान आदमी को, भारतीय संविधान के निर्माता को कांग्रेस पार्टी ने हराने का काम किया, बाबा साहब को 40 साल भारत रत्न नहीं दिया। तो ये कांग्रेस का षड्यंत्र यहाँ के बहुजन समाज के दिल दिमाग में है। तो इस बार सारा बहुजन समाज का मैक्सिमम वोट ये बाबा साहब के हाथी के सामने की बटन दबा के पड़ेगा और विवेक हाड़के को विजय बनाने का काम करेगा। दक्षिण नागपुर मतदार संघ में दक्षिण पश्चिम मतदार संघ में दिग्गजों का जमावड़ा रहने वाला है, ऐसे में आप बसपा के अधिकृत उम्मीदवार हैं,
तो आप इलेक्शन जीतने के लिए आपके पास क्या सूक्ष्म नियोजन है उस बारे में? बिल्कुल, मैंने आपको सारा सूक्ष्म नियोजन, सारी प्रक्रिया बताई है। हमारे पास में कैडर की बहुत बड़ी फौज है, हर समाज की लीडरशिप हमारे पास में है, अलग अलग ओबीसी की जातियों के अंदर में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर में काम कर रहे हैं, सारे धार्मिक संगठनाओं के अंदर में, सामाजिक संगठनाओं के अंदर में, कल्चरल स्पोर्ट्स हर क्षेत्र के अंदर में हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, पूरी ताकत के साथ में हमारे समाज में हमारा कैडर काम कर रहा है, अलग अलग सेक्टर में हमारे लोग काम कर रहे हैं। और अभी से नहीं, हमारी तैयारी पिछले 5 साल से चालू है यहाँ का चुनाव जीतने की। निश्चित रूप से ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीतेंगी। क्या आपको लगता है कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुए? बिल्कुल, विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुए, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने मुझे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। और बहुजन समाज पार्टी ने जब मुझे उम्मीदवारी दी है तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर चुनाव जीतकर, जो पिछले सालों में विकास कार्य नहीं हुए, क्योंकि अगर हम लोग रोजगार की बात करेंगे, हमारे इसके अंदर में विकास की बात करेंगे, रस्तों की बात करेंगे, और भी बहुत सारी समस्याएं इस देश के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में रोजगार की समस्या, इस क्षेत्र के अंदर में तो बहुत सारे समस्याओं से बहुजन समाज त्रस्त है। क्योंकि हम लोगों ने भी वोट उन लोगों को दिया कि जिन लोगों ने समस्याओं का निर्माण किया, उन लोगों को जो बहुजन समाज बार बार वोट देते आ रहा है, तो ये समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमको फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी को वोट देना चाहिए, और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे हार्दिक जी, ये बताइए कि आप दक्षिण पश्चिम मतदार संघ के जो मतदाता है, हाँ, उनको क्या आह्वान करें? मैं एक ही आह्वान करना चाहूँगा इस क्षेत्र के जनता को कि अगर इस क्षेत्र का पूरा विकास करना है, यहाँ के अंदर में रोजगार ला, इस क्षेत्र के अंदर में रोजगार निर्माण करना है या इंडस्ट्रीज अगर लाना है, यहाँ के शिक्षा का स्तर अगर बढ़ाना है, यहाँ के महानगर पालिका के जितनी स्कूलें हैं, सरकार के स्कूलें हैं, वह इंग्लिश मीडियम अगर उसमें कंपलसरी करवाना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत जिसको बाबा साहब ने बोला, वो चीज़ अगर करना है, यहाँ का विकास करना है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक करना है, तो बहुजन समाज पार्टी को आपको जीतना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ के जनता की, तमाम समाज के लोगों के, सर्व समाज के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब के हाथी के सामने के बटन दबाएं और मुझे विजय करें। कुछ राजनीतिक आलोचक यह भी आरोप लगाते हैं कि बसपा बीजेपी की बी टीम करके है ऐसा, देखो ये आपका क्या खुलासा है? ये आरोप जो है, ये आरोप सरासर झूठ है, और इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है, ये इनमैच्योर्ड आरोप है। बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी कोई बी टीम और ए टीम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर में 108 संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, और बहन कुमारी मायावती जी देश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही सक्षम और मजबूत नेतृत्व है। ये थे दक्षिण पश्चिम के युवा उम्मीदवार विभाग की जिन्होंने हमारे साथ बिल्कुल संवाद किया। सर आपका धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।